नमस्कार दोस्तों, आज हम शुगर कैन क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गन्ना। देखते हैं दोस्तों, गन्ना का वानस्पतिक नाम होता है सेकेरम ओपिसिनेरम, और इसका कुल होता है ग्रेमिनी। दोस्तों, गन्ने का उत्पत्ति स्थान ओपिसिनिया उत्तरी पूर्वी भारत है। दोस्तों, गन्ने के उत्पादन वह क्षेत्रफल में सन 1979 में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है, उसके बाद भारत, क्यूबा तथा चीन आते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चीनी मिले उत्तर प्रदेश में 105 है, इसके बाद महाराष्ट्र में 99 है। दोस्तों विश्व में चीनी मिले सबसे अधिक भारत में है 400। भारत में गन्ने की क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 52% का प्रथम स्थान है। दोस्तों, प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे। गन्ने की फसल को सामान्यतः तीन किस्मों में विभाजित किया गया है। तो पहली किस्म है दोस्तों सेकेरम ओपिसिनेरम। दोस्तों, गन्ने की यह किस्म चूसने के लिए उपयुक्त है। इनमें शर्करा की मात्रा अधिक, कम रेशा तथा अधिक उपज होती है। यह किस्म सामान्यतः स्मट गेरुई से अवरोधी, जड़ गलन एवं मोजेक बीमारियों से सहिष्णु होती है। दोस्तों, आजकल इस किस्म की गन्ने की खेती समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी की जाने लगी है। तो दोस्तों, दूसरी किस्म सेकेरम साइनेंस। तो दोस्तों, गन्ने की इसी किस्म की उत्पत्ति उत्तरी पूर्वी भारत में हुई। इस प्रजाति के पौधे का तना लंबा तथा पतला होता है, पत्तियां चौड़ी होती है, सुक्रोज की मात्रा कम से मध्यम तथा जल्दी पकने वाली होती है। दोस्तों, इस किस्म में गन्ने की अन्य किस्में जैसे पनसाही, नारगोरी तथा मूंगो भी है। दोस्तों, पौधे के तने की पर्वसंधियां लंबे टेढ़े मेढ़े होते हैं तथा संधि विकसित होती है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों तीसरी किस्म सेकेरम बारबेरी। दोस्तों, गन्ने की इस किस्म की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत से हुई है। इस किस्म के पौधों का तना छोटा तथा पतला होता है, पत्तियां सक्रिय होती है, सुक्रोज की मात्रा कम से मध्यम होती है तथा जल्दी पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस किस्म में गन्ने की अन्य किस्में जैसे सारेता तथा सुनाबील भी है। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली गन्ने की किस्मों को विभिन्न ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहली किस्म देखते हैं दोस्तों शरदकालीन गन्ना। दोस्तों, देखते हैं शरदकालीन गन्ने की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में करते हैं। भारत में इस ऋतु में बोया जाने वाला गन्ना केवल 6 से 8% भूमि पर उगाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों बसंतकालीन गन्ना। तो बसंतकालीन गन्ना रबी की फसलों की कटाई के बाद फरवरी मार्च में बोया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं भारत में इस ऋतु में उगाए जाने वाले गन्ने के अंतर्गत 60 से 65% क्षेत्र है। इसके बाद में तीसरी ग्रीष्मकालीन अथवा अधसाली गन्ना। दोस्तों गन्ने की इस फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। भारत के दक्षिणी प्रांतों में अधसाली गन्ने की बुआई करते हैं। अधसाली गन्ना 18 से 24 महीने में पककर तैयार हो जाता है। इस गन्ने के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 20 से 25% भाग है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों गन्ने की जलवायु। गन्ना उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। उत्तर भारत के उपोष्ण जलवायु में गन्ने की खेती की जाती है। गर्म तथा आर्द्र जलवायु में गन्ने की बढ़वार अधिक होती है। 50 डिग्री से अधिक तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर इसकी वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तथा 20 डिग्री से सेंटीग्रेड कम तापमान पर इसकी वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों इसीलिए गन्ने की फसल के लिए औसत तापमान
25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। तो दोस्तों गन्ने के पौधों की अच्छी पैदावार के लिए अधिक तापमान, औसत आर्द्रता, चमकीली धूप तथा दिन की अवधि आवश्यक है। तो दोस्तों जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 75 से 200 सेमी तक होती है गन्ना की खेती के लिए वह उपयुक्त रहते हैं। गन्ने के पौधों को पकने के लिए 8 से 10 माह की आवश्यकता होती है। दोस्तों गन्ने की इसके बाद में देखते हैं, दोस्तों गन्ने के पौधों को पकने के लिए 8 से 10 माह की आवश्यकता होती है। दोस्तों गन्ने की खेती के लिए आदर्श जलवायु भारत के दक्षिणी भाग जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों गन्ने की भूमि कि गन्ने को कैसी भूमि में उगाया जाता है। दोस्तों गन्ने की फसल भिन्न भिन्न प्रकार की भूमियों में उगाई जाती है। गन्ने की फसल के लिए बलुई दोमट से मटियार भूमियाँ उपयुक्त होती हैं। दोस्तों गन्ने की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। दोस्तों गन्ने की फसल उगाने के लिए मृदा की पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। दोस्तों गन्ने की फसल को उगाने के लिए मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। सारे तथा अम्लीय मृदाएँ अनुपयुक्त होती है। दोस्तों इसके बाद में देखते हैं गन्ने की बीज दर यानी कि सीड रेट। दोस्तों 3 आंख वाले 35 से 40 हज़ार गन्ने के टुकड़े जो 10 से 12 माह पुरानी फसल के हो प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इसके बाद में 2 आंख वाले 80 हज़ार से 1 लाख गन्ने के टुकड़े। दोस्तों 2 आंख वाले 80 हज़ार से 1 लाख गन्ने के टुकड़े 10 से 12 माह पुरानी फसल के हो प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों बुआई हेतु गन्ने के टुकड़े ऊपरी एक तिहाई से आधा भाग काम में लेते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है जो अंकुरण में सहायक है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों बीजोपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। बुआई में काम आने वाले गन्ने के टुकड़ों को एग्गा लाल या एरेटोन या बाविस्टिन 0.2% के घोल में डुबो के रोपाई करें। लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए टुकड़ों को गर्म जल 54 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट के लिए उपचारित करें। पंक्ति की दूरी इकसाली 60 से 90 सेंटीमीटर और अड़साली 120 सेंटीमीटर रखते हैं। दोस्तों के बाद में देखते हैं दोस्तों बुआई का समय यानी कि सोविंग टाइम। दोस्तों देखते हैं पहले शरदकालीन अक्टूबर में बोते हैं। इसके बाद में बसंतकालीन फरवरी मार्च में बोते हैं उत्तरी भारत में। इसके बाद में शरद में बसंतकालीन 1 साल की फसल होती है जबकि अड़साली 18 महीने की फसल होती है। दोस्तों वर्षाकालीन यानी कि अड़साली जुलाई में बोते हैं महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों गन्ने की किस्में। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों COS 1148, COS 5254, CO 1158, CO 3321, J64, CO 449, CO 419, CO 1253 और BO 99। दोस्तों BO 99 में चीनी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों गन्ने की काफ़ी किस्में होती हैं, बहुत सी होती हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों बुआई की विधि यानी कि सोविंग मेथड। पहली देखते हैं दोस्तों समतल विधि यानी कि फ्लैट मेथड। इस विधि से गन्ने की बुआई उत्तरी भारत में की जाती है। यह साधारण व सामान्य विधि है। इस विधि में गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर तथा दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं। दोस्तों खाई विधि दूसरी यानी कि ट्रेंच मेथड, जहां फसल हवा से गिरने की समस्या रहती है वहां ट्रेंच विधि उपयुक्त रहती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में होती है यह। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कुंड विधि यानी कि फर्रो मेथड। दोस्तों इस विधि में 90 सेंटीमीटर दूरी तथा 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। यह विधि गन्ना बुआई की सबसे उपयुक्त विधि है जो उत्तर व दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों गन्ने की फसल में की जाने वाली क्रियाएँ। दोस्तों पहली अंधी गुड़ाई यानी कि ब्लाइंड होइंग। गन्ना एवं आलू की फसल में बुआई के बाद
वह अंकुरित होने से पहले हल से गुड़ाई करना। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों दूसरी क्रिया, मिट्टी चढ़ाना यानी कि अर्थिंग अप। जुलाई अगस्त माह में पौधे के तने के पास मिट्टी चढ़ा देते हैं। यह क्रिया समतल विधि में बोए गए गन्ने में दक्षिण भारत में करते हैं। इसके बाद में तीसरी क्रिया है दोस्तों बांधना यानी कि टाइंग। पत्तियों से 10 से 15 पौधों को आपस में बांधना जिससे पौधे गिरते नहीं हैं। पत्तियों से 10 से 15 पौधों को आपस में बांध देते हैं जिससे दोस्तों पौधे गिरते नहीं हैं। चौथी है दोस्तों शीघ्र पकाने के लिए पौधों की पत्तियों को जला देते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रॉपिंग, पांचवी क्रिया। पौधे के तनों को सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट। दोस्तों गन्ने में सिंचाई की चार प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था अंकुरण अवस्था जो 60 बुआई के 60 दिन तक करते हैं। दूसरी अवस्था है फॉर्मेटिव अवस्था, ये 60 से 130 दिन, इस समय अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरी है दोस्तों ग्रांड अवस्था, बुआई के 130 से 250 दिन तक करते हैं। और चौथी है परिपक्व अवस्था, यह दोस्तों 250 से 350 दिन तक करते हैं। इसके बाद में देखते खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड मैनेजमेंट। तो दोस्तों 2,4-D खरपतवार नाशिका अंकुरण के 30 से 40 दिन बाद 1.5 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। एट्राजिन अंकुरण से पूर्व 2 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों गन्ना का कीट यानी कि इंसेक्ट। पहले देखते हैं दोस्तों पायरिला, यह पौधों की पत्तियों से रस चूसता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा पौधों पर शहद जैसा पदार्थ छोड़ता है जिस पर काली फफूंद विकसित हो जाती है। दोस्तों पायरिला के जैविक नियंत्रण के लिए एपिरिकार्निया कीट काम में लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियन 50 cc वन लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों तना छेदक। दोस्तों यह पौधे के तने में वृद्धि बिंदु पर मर्त टिश्यू पैदा करता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों सफ़ेद लट, बालू मृदा में जड़ों में प्रकोप ज़्यादा होता है जिससे पौधा सूख जाता है। इसके बाद में आते हैं गन्ना के रोग यानी कि डिजीज। देखते दोस्तों लाल सड़न रोग कोलेटोट्रिकम फालकेटम नामक फफूंद द्वारा होता है। यह गन्ने का प्रमुख रोग है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं। तने को चीरने पर लाल रंग की लंबी धारियां दिखाई देती है एवं रोग ग्रसित पौधों से दुर्गंध आती है। दूसरा दोस्तों कंडवा रोग, यह अस्टिलेगो सिटेमिनिया नामक कवक द्वारा होता है। इस डंठल की झिल्ली टूटने पर काली चारकोल के समान पाउडर निकलकर बिखर जाता है इसे वीप स्मट भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर गन्ना ख़त्म होता है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।